व्हाट्स अप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ड्रीम इलेवन की टीम के प्रोडक्शन की वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के थर्ड T20 मैच के बारे में। अगर हम पहले तो T20 मैच के बारे में देख ले गए तो दोनों में पाकिस्तान ने कम्प्लीटली डोमिनेंस दिखाई हुई है। बांग्लादेश के पास कोई होप्स नहीं है, कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान को मतलब लास्ट दो मैच हमने बिल्कुल ही ऐसा देखा कि वन साइडेड मैच थे ऑलमोस्ट। सो गाइस, इस मैच में भी यही प्रोडक्शन रहने वाली कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तानी गाइस इस मैच में बाजी मार जाएगा अपनी और बांग्लादेश को इस मैच में भी हार का सामना करना पड़ेगा। वैसे गाइस, ऑलरेडी अगर हम बात कर लें सीरीज की, सीरीज ऑलरेडी बांग्लादेश हार चुका है। बांग्लादेश अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलने वाला है, वाइट वॉश ना हो, वाइट वॉश से बचने के लिए खेलने वाला है। वहीं पाकिस्तान सोचेगा कि बांग्लादेश को वाइट वॉश करके T20 सीरीज को पूरी तरीके अपने में कब्जे में रखो। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं, प्लेयर प्रेडिक्शन करने वाले हैं, टीम एनालिसिस करने वाले हैं। गाइस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। वीडियो में गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, गाइस कमेंट करके बताना गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो गाइस, वीडियो को हमें चलते हैं। अगर हम वीडियो में प्लेइंग इलेवन के बारे में बात कर लेंगे तो प्लेइंग इलेवन आप यहाँ से फ्रंट पेज पे चेक कर सकते हैं हमारी पॉसिबल इलेवन के एप्लीकेशन पर। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉलर्स में देख लें बांग्लादेश के, तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, उनके साथ निभाने आते हैं तकसीम अहमद। इन दोनों बॉलर्स के अलावा कोई किसी ने इतना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस आपको करके नहीं दिखाई है। बैट्समैन देख लें, बैट्समैन में भी गाइस यहाँ पे कोई कुछ ही नाम है गाइस, तो थोड़ा बहुत भी आपको बैटिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई देंगे, 20-30 रन मार के दिखा रहे हैं, बाकी एज सच कुछ बड़ी परफॉर्मेंस नहीं करी है। सो गाइस, अगर हम वहीं पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से लास्ट मैच में गाइस उन्होंने अपने मोहम्मद बाबर आजम तो गाइस खैर गाइस दोनों मैचों में कुछ इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई एक बार गाइस, अपने फकर जमान रहना गाइस लास्ट मैच में गाइस उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है गाइस, 50 रन की पारी खेल के गाइस बहुत अच्छी अपनी जो टीम को गाइस बहुत ही ईजिली विन करवा दिया था लास्ट का मैच। तो गाइस पाकिस्तान की टीम वहीं पर बहुत अच्छी फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की टीम बेट्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर में नईम शेख एंड सैफ हसन आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे देंगे। वैसे भी गाइस अपने मैच जो हार चुके, सीरीज हार चुके, बट गाइस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दोनों को जरूर अपनी अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी गाइस, बहुत ही अच्छे रन स्कोर करने पड़ेंगे बांग्लादेश को अगर पाकिस्तान को हराना है तो। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे गाइस मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे गाइस अपने आतिफ हुसैन आएंगे एंड महमूदुल्ला आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। बॉलिंग ऑर्डर में बात कर लेंगे, बॉलिंग में यहाँ पे तकसीन अहमद एंड मुस्तफ़िज़ुर आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दे देंगे पेस बॉलिंग की तरफ से। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे गाइस अगर हम पाकिस्तान की टीम अपडेट्स के बारे में, तो पाकिस्तान की तरफ से गाइस मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम को टॉप ऑर्डर बैट्समैन बैटिंग में करते हुए दिखाई दे देंगे। दोनों काफ़ी अच्छे ओपनिंग बैट्समैन है। बाबर आजम का फॉर्म कुछ लास्ट मैचों में दो मैचों में अच्छा नहीं है, बट गाइस बहुत ही इनक्रेडिबल बैट्समैन है। इस मैच में आपको अगर चल जाते हैं तो गाइस लंबा स्कोर खेल करते हुए दिखाई दे जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर हम बात कर लें मिडिल ऑर्डर में गाइस यहाँ पे लास्ट मैच के हीरो गाइस फकर जमान आएंगे। गाइस फकर जमान लास्ट मैच में गाइस बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए गाइस अपनी टीम को मैच जितवा देते हैं। वहीं के साथ ही माने आएंगे हैदर अली एंड शुएब मलिक। वैसे हम बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लें, बॉलिंग में यहाँ पे गाइस शादाब खान गाइस कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं पूरी बांग्लादेश की टीम को। गाइस अगर हम सामने रखते हैं पूरी बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान की तरफ से, गाइस अगर हम सिर्फ शादाब खान को छोड़ते गए तो शादाब खान पूरी बांग्लादेश की टीम को उड़ाने का कैपेबिलिटी रखते हैं गाइस। लास्ट दो मैचों में इन्होंने ऐसा कुछ करके भी दिखाया है। वहीं बात कर लें यहाँ पे गाइस अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में पेस बॉलिंग की तरफ से, यहाँ पे मोहम्मद वसीम एंड शाहीन अफरीदी आपको पेस बॉलिंग में दिखाई दे जाएंगे। अगर हम बात कर लें गाइस पिच की, फैंटेसी टिप्स की पिच हमारी यही प्यारी है कि स्पिन बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। स्पिन बॉलर्स मतलब शादाब खान को बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है इस मैच में भी। तो गाइस शादाब खान को ज़रूर अपनी टीम में लेना, मैं तो कह रहा हूँ एक ना एक टीम में कैप्टन भी ज़रूर लेके जाना अगर आप ग्रैंड लीग में खेल रहे हैं तो। वहीं बात कर लें यहाँ पे बांग्लादेश के कीपर्स के, यहाँ पे नेम शेयर करेंगे गाइस एन हुसैन शान, तो आतिफ हुसैन, महमदुल्ला, मेहदी हसन, तकसीन अहमद एंड मुस्तफ़िज़ुर रहमान। पाकिस्तान की तरफ से रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, शादाब खान, शाहीन अफरीदी एंड गाइस मोहम्मद वसीम आपको पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे। गाइस अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में, तो गाइस काफ़ी अच्छी पिच है गाइस। ज़्यादा अगर हम बात कर लें बॉलिंग को काफ़ी अच्छी सपोर्ट करती है स्पेशली गाइस स्पिन बॉलर्स को। बैटिंग के लिए इतनी कुछ खास पिच है नहीं गाइस, बट गाइस बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है, स्पिन बॉलर्स को काफ़ी अच्छी मदद मिलती है गाइस, क्योंकि बॉल थोड़ा रुक के आता है, रुक के आएगा तो गाइस स्पिन बॉलर्स वैसे ही खतरनाक साबित होगा। तो गाइस पिच रिपोर्ट के हिसाब से गाइस हमारे स्पिन बॉलर्स ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे कल के मैच में। तो गाइस चलते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। गाइस अगर हम विकेट कीपर सेक्शन के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास गाइस दो ऑप्शन आते हैं, तो आप नूरुल हसन के साथ जा सकते हैं,
मोहम्मद रिजवान के साथ गए थे। हम यहाँ पे अनडाउटली गाइस अपने मोहम्मद रिजवान के साथ जाएंगे। अगर आप ग्रैंड लीग में खेल रहे हैं तो गाइस एक टीम में आप अपने मोहम्मद रिजवान को कैंसिल करके आप अपने नूरुल हसन को ज़रूर लेके जा सकते हैं। वहीं बात कर लें यहाँ पे बैटिंग बैटिंग में आप गाइस बाबर आजम रहेंगे। गाइस मोहम्मदुल्ला को गाइस हम पिक करना चाहते हैं बट गाइस थोड़ा क्रेडिट इशू है इसलिए मोहम्मद अपने महमदुल्ला को पिक नहीं करेंगे। बट गाइस मैं आपको बता दूंगा अगर आप ग्रैंड लीग में जा रहे हैं तो गाइस यहाँ पे बाबर आजम को ड्रॉप करके आप यहाँ से महमदुल्ला को इजीली पिक कर सकते हैं। गाइस जरूर पिक करना है महमदुल्ला को अपने ग्रैंड लीग में गाइस इनको पिक करके गाइस इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप जरूर बना सकते हैं। लास्ट दो मैचों में गाइस बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं दिखाई दिए हैं बट गाइस हो सकता है इस मैच में आपको एक अच्छी नॉक खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो गाइस महमदुल्ला को आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। वैसे गाइस हम फकर जमन को लेंगे एंड गाइस अपने लास्ट प्लेयर रहेंगे यहाँ पे गाइस हुसैन शानशो। वहीं बात कर लेंगे यहाँ पे ऑलराउंडर में यहाँ पे गाइस एम हसन रहने वाले हैं, शादाब खान रहने वाले हैं अपने मेन पिक। यहाँ से गाइस हम हुसैन को भी लेंगे क्योंकि गाइस फोर्थ नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, बैटिंग भी थोड़ी जल्दी करते हैं गाइस। थोड़ा अच्छा अगर हम देखें लास्ट मैच में भी गाइस उन्होंने उससे पहले वाले मैच में भी थोड़े ठीक ठाक पॉइंट दे रखे हैं तो गाइस हम इनको जरूर लेंगे अपनी टीम में। वहीं बात कर लें यहाँ पे बॉलिंग में यहाँ पे गाइस मुस्तफिजुर रहमान रहने वाले हैं, शाहीन अफरीदी रहेंगे अपनी मेन पिक एंड गाइस उनके साथ में गाइस यहाँ पे एम वसीम को भी लेंगे। गाइस अपने अगर हम लास्ट पिक की बात कर लें तस्कीन अहमद को ज़रूर पे करेंगे गए तो तस्कीन अहमद भी गाइज आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लास्ट मैच में गए उन्होंने 72 पॉइंट दिए थे गए, काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए थे लास्ट टू लास्ट मैच में। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात कर लें, कैप्टन गाइज मैं फिलहाल के लिए मोहम्मद रिजवान को बनाने वाला हूँ। वाइस कैप्टन गाइज मैं आप विदाउट एंड आउट गए यहाँ पे शादाब खान को बनाऊंगा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं शादाब खान अगर हम बात कर लें दोनों ही मैचों में। ये गाइस फिलहाल के लिए फाइनल टीम रहने वाली है, मैं इसी टीम से सारे काउंटर ज्वाइन करने वाला हूँ। अगर आपको टीम पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। हमारे स्मॉल लीग की टीम है गाइस, स्मॉल लीग में सारे काउंटर गाइस डेफिनेटली गाइस आप बिल्कुल भी लॉस में नहीं रहने वाले हैं गाइस फाइनल टीम, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी टॉस होने के बाद। अगर टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करके रख लेना। ये वीडियो यहीं तक की थी गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।